आइए आज मैं आपको कुछ खास जगह ले चलता हूँ जो बाकी जगहों से थोड़ी अलग है। और आप जैसा देख रहे हैं ये बुद्ध विहार है, प्रयागराज में स्थित है। ये लोग रहते हैं, क्या खाते हैं और क्या उनकी दिनचर्या है। बौद्ध धम्मम की मैं एक आज आपको झलक दिखाऊंगा, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। शाम के 7 बजे हैं और ये वंदना अपनी शुरू करने जा रहे हैं। शाम की वंदना होने के बाद जो बड़े भंते होते हैं वो खाना नहीं खाते हैं और जो छोटे बच्चे हैं वो उनको खाना दिया जाता है। खाना खाने के बाद रात में वह सो जाते हैं क्योंकि उनको सुबेरे उठ के फिर से वंदना करनी होती है और फिर स्कूल भी जाते हैं वो। सवेरे तड़के 4 बजे ही उनके लिए एक घंटी बजाई जाती है। ये जो भी बच्चे और बुज़ुर्ग जो भी आपको इस वस्त्र में देख रहे हैं खास, इनको भंते बोला जाता है। और ये सुबह की वंदना के बाद अपना काम स्वयं करते हैं और परिसर की साफ़ सफाई का भी ध्यान यही रखते हैं। इनके परिसर में एक छोटा सा तालाब है जिसमें 2 कछुए और 7-8 मछलियाँ भी हैं बड़ी बड़ी, और 2 बत्तख भी हैं इनके यहाँ परिसर में, जिनका ध्यान यही रखते हैं, इसकी साफ़ सफाई भी यही करते हैं। ये इनका किचन एरिया है और यहाँ पर जो भी अपनी इच्छा से इनको देता है, इनका भिक्षु जीवन अच्छे से व्यतीत हो, वो ये इस्तेमाल करते हैं और सभी चीज़ें इनको एक तरह से दी जाती हैं। सुबह का नाश्ता भी ये खुद ही बनाते हैं और नाश्ता करके इनको स्कूल के लिए प्रस्थान करना होता है, इसीलिए ये सुबह का नाश्ता जल्दी कर लेते हैं। इनका नाश्ता 6 बजे के 6:30 के आसपास हो जाता है और नाश्ते के पहले एक घंटी बजाई जाती है जो इनको बताती है कि नाश्ते का वक्त हो गया है और आप खाने वाली जगह पर एकत्र हों। आज नाश्ते में तहरी बनाई गई है जो सभी लोग खाएंगे, चाहे बड़े हों चाहे बच्चे। नाश्ता करने के बाद वह स्कूल की तैयारी करते हैं और यहाँ पर हम एक भंते जी को देख सकते हैं जिनका नाम अमन वर्धन है, जो हमको इनकी खास पोशाक कैसे पहनते हैं वो पहन के दिखा रहे हैं, जिसके बाद ये स्कूल चले जाएंगे।
स्कूल जाकर वह बाकी सभी विषय के बारे में पढ़ते हैं, और बौद्ध धम्मम और पाली भाषा वो यहाँ से पढ़ते हैं, जिसमें वो आगे जाकर अपना PhD की पढ़ाई भी कर सकते हैं। हम लोगों ने भी वहाँ पर नाश्ता किया, हम लोगों ने भी वहाँ तहरी खाई जो कि हम लोग को बहुत अच्छा लगा, और वहाँ पर अचार भी था जो किसी ने आकर उनको भेंट किया था। नाश्ता करने के बाद हम लोगों ने उसी तरह जिस तरह से जितने बनते थे खाना खाने के बाद अपनी थाली को ले जाके साफ़ किया, हमने भी वही किया, हमने भी अपनी थाली को साफ़ किया। और ये एक नियम है जिसको पालन करना बेहद ही बहुत ही अच्छी बात है, इससे अनुशासन की भी हम एक तरह से मिसाल रख सकते हैं और साफ़ सफाई का भी ध्यान रखते हैं। नाश्ता करने के बाद नितेश वर्धन जी जो कि बनते हैं, सीनियर हैं, उनसे बात हुई हम लोगों की। प्राचीन काल में या 6वीं शताब्दी ईस्वी में सम्राट हर्षवर्धन नाम के एक बुद्धिस्ट राजा हुए थे। उस समय यह पूरा प्रयाग बौद्ध धरती के नाम से जाना जाता था। जैसे अभी ये चीवर है, थाईलैंड का है, तो इन्होंने येलो कलर का बनाया है, तो इसलिए इसको येलो कलर का है। तो मतलब जो आपने पहन रखा है ये चीवर है, जी इसको चीवर कहा जाता है। जी इसमें कुछ खास बात, कुछ खास डिज़ाइन होती है क्या? हाँ, इसकी ये डिज़ाइन होती है कि भगवान बुद्ध के समय में ऐसे साधारण वस्त्र रहता था, सिंपल सा, प्लेन सा। तो उस समय क्या है, बहुत से भिक्षु ऐसे थे कि उस वस्त्र को किसी दूसरे कामों में उपयोग में लाते थे। बहुत से लोग ऐसे होते थे उस चीवर को अपने घर में उस वस्त्र को घर में दे देते थे। अच्छा। तो भगवान बुद्ध ने एक बार आनंद से कहा कि खेत में एक बैठे हुए थे, तो खेत में खेत की जो क्यारियाँ हैं और पानी वाला उसमें वो है जाने के लिए, तो उसी के अनुसार डिज़ाइन करके भगवान अच्छा बुद्ध ने इस चीवर को बनवाया था। तो तो आइए दोस्तों, हम लोग इस परिसर को घूमते हैं और देखते हैं क्या क्या है हम लोग को जानने के लिए। आइए मंत्री। तस्वीर में सिद्धार्थ का जन्म होते हुए किस प्रकार महामाया जन्म दे रही है उसका अच्छा यह चित्र है। भगवान बुद्ध ने जो जन्म लिया है वो भी वृक्षों के नीचे लिया है, और ज्ञान प्राप्त किया है वो भी बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे जन्म ज्ञान प्राप्त किया है। सारनाथ में जो उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया है वो भी वृक्षों के नीचे दिया है, और उनका जो महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ है वो भी वृक्षों के नीचे दिया है। तो सिद्धार्थ का जब जन्म हो जाता है, तो जन्म होने के बाद ये आषाढ़ पूर्णिमा को गृह त्याग करते हैं। गृह त्याग करने के बाद वैसाख पूर्णिमा को ही उन्होंने बोधगया में पीपल बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया, ये उसका प्रतीक है। ये भगवान बुद्ध के अंतिम समय का है कि कुशीनारा में भगवान बुद्ध साल वृक्षों के नीचे सिंह सैया पर लेटे हुए अपने भिक्षु संघ के साथ में बताते हैं कि आज मैं रात्रि में महापरिनिर्वाण को प्राप्त करूँगा। यह देखिए, यह सम्राट हर्षवर्धन बुद्ध विहार में सम्राट अशोक और बाबा साहब का दोनों लोगों का एक साथ में यहाँ पर मूर्ति हम लोगों ने लगाया है। यह पूरे भारत में इकलौता है कि कहीं पर सम्राट अशोक और बाबा साहब का एक साथ मूर्ति हमको देखने को मिलता है। क्योंकि देखिए, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए बहुत काम किया, उन्होंने भगवान बुद्ध के जो 84,000 धम्मखंड हैं उस पर उन्होंने अनेक 84,000 ही स्तूप, शिलालेख, चैत्य लिखवाए। और आधुनिक युग में बाबा साहब ने बुद्धिज्म को अपनाकर और बौद्ध धर्म की ओर लोगों को अग्रसित कराया, ये इसलिए उनके लिए यह प्रतीक के स्वरूप में लगाया गया। मंदिर जो उनकी अस्थियां हैं जो सम्राट अशोक ने चैत्य बनवाए थे, उन्हीं अस्थियों का प्रारूप करके अभी वर्तमान में हम लोगों ने स्पेशली जैसा सम्राट अशोक ने चुनार पत्थर से बनवाया था, उसी चुनार पत्थर का हम लोगों ने यह चैत्य बनवाया है, धम्मचक्र बनाया गया है। 32 तीलियों का मतलब है कि भगवान बुद्ध में 32 लक्षण थे, सामान्य लोगों में जो नहीं होते। जैसा कि आप कहीं पर भी भगवान बुद्ध की प्रतिमा देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि भगवान बुद्ध के कान बड़े हुए हैं, सिर ऊपर उठा हुआ है, भगवान बुद्ध के 40 दांत थे, हाथ थे वो घुटने तक छू जाते थे, और जीभ थी उनकी माथे तक जाती थी। इस प्रकार से भगवान बुद्ध में 32 लक्षण थे। यहाँ पर जो हम दूसरा धम्मचक्र देखते हैं यह 24 तीलियों का बना हुआ है, और 24 तीलियों का इसमें यह प्रतीक है कि भगवान बुद्ध ने जब बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया था, उन्हें तीन याम में ज्ञान प्राप्त किया था। उसमें पहले याम में उन्होंने पटिच्च समुपाद का ज्ञान प्राप्त किया था। उसी ये पटिच्च समुपाद में 12+12 कड़ियाँ हैं, तो उन 12+12=24 कड़ियों का ही ये प्रतीक है। ये एक मूर्ति है भिक्षु महेंद्र की, दूसरी मूर्ति है बिछुड़ी संगमित्रा की जो सम्राट अशोक के पुत्र और पुत्री हैं।
सम्राट अशोक के 6वें शासनकाल में सम्राट अशोक ने तम्बुपाणि श्रीलंका में दोनों को बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बता दीजिए। देखिए त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक का अर्थ होता है तीन पिटारा। तीन पिटारा मतलब तीन संदूक। और त्रिपिटक में क्या लिखा गया है पहले हम ये जान लेते हैं। भगवान बुद्ध ने अपने जितनी भी धम्म देशनाएँ दी उन सभी धम्म देशनाओं का जो संग्रह है वो त्रिपिटक में। त्रिपिटक का अध्ययन करते हैं तो त्रिपिटक में अभी जो वर्तमान समय में गौतम बुद्ध हुए हैं उनसे पहले भी 27 बुद्ध हुए हैं ऐसा हमें अपने त्रिपिटक साहित्य में अध्ययन करने को मिलता है। इसके बारे में ये किस भाषा में लिखा है मंत्र जी? जी यह देखिए यह जो शिलालेख है सारनाथ में स्थित है ये शिलालेख यह सम्राट अशोक ने लेखन कला का जो प्रारंभ होता है वो सम्राट अशोक के शासनकाल से ही होता है। ये जो आप स्क्रिप्ट देख रहे हैं यह धम्म लिपि है स्पेशली इसको धम्म लिपि कहा गया है जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश लिखे हुए हैं। आठ बना हुआ है आठ तीलियों से ये जो डिजाइन बना हुआ है आप देखिए इसको तो ये भगवान बुद्ध ने जो अपना उपदेश दिया आर्य अष्टांगिक मार्ग सम्मा दिट्ठी सम्मा संकप्पो सम्मा वाचा सम्मा कम्मन्तो सम्मा आजीवो सम्मा व्यायामो सम्मा सती सम्मा समाधि ये आठ अंग का जो मार्ग है आर्य अष्टांगिक मार्ग है जो निर्वाण की प्राप्ति के लिए सहायक है उसी आर्य अष्टांगिक मार्ग का यह यहाँ पर प्रतीक है। आप कितने बनते हैं यहाँ पर? यहाँ पर कुल मिलाकर 25 बनते लोग हैं जिसमें तीन सीनियर लोग हैं। अच्छा। और 20 बच्चे हैं दो हम लोग यंग स्टाफ पर हम लोगों की क्लास चलती है हम लोग यहाँ पर पाली भाषा और धम्म लिपि को पढ़ाते हैं। हम लोग तो काफ़ी कुछ यहाँ टहले घूमे सब कुछ पता लगा। अब कुछ आपके बारे में बताइए आपका वैसे नाम क्या है? मेरा नाम नितेश वर्धन है। नितेश वर्धन जी। अच्छा यहाँ के बच्चे कहीं और भी पढ़ते हैं कि सिर्फ यहीं पढ़ते हैं? यहाँ के बच्चे देखिए यहाँ ये बुद्ध विहार है और इस बुद्ध विहार में रहकर केवल बुद्धिज्म का अध्ययन करते हैं कि भगवान बुद्ध की क्या विचारधारा थी भगवान बुद्ध के क्या वचन थे उसका केवल यहाँ पर अध्ययन करते हैं। बाकी यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं जैसे एक नॉर्मल स्टूडेंट पढ़ाई करने के लिए अपने जाते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में प्राइवेट कॉलेज में वैसे यहाँ पर जितने भी मॉन्क्स हैं सब स्टडी करने के लिए वहाँ पर जाते हैं और जैसे यूपी बोर्ड है सीबीएसई बोर्ड है सब उसी के माध्यम से अपना अध्ययन करते हैं। आपने स्कूलिंग कहाँ से करी? मैंने स्कूलिंग में क्लास 5th पास करके यहाँ पर आया था 6th में मेरा एडमिशन हुआ। यूपी बोर्ड से मैंने इंटरमीडिएट तक पढ़ाई की इसके बाद यहाँ मैंने इविंग क्रिश्चियन कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की अभी मैं संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी से एमए मैंने कंप्लीट किया है और अभी मैं पीएचडी के लिए अपना एडमिशन का देख रहा हूँ। मतलब क्या मतलब आप एक दिन में भी छोड़ सकते हैं? जी चीवर लेने की कोई वो नहीं है आप एक दिन के लिए चीवर ले सकते हैं 10 दिन के लिए चीवर ले सकते हैं 1 साल के लिए ले सकते हैं जीवन भर के लिए ले सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कब तक आप बुद्धिज्म में भिक्खु जीवन में सही नियम कानून से आप उसका कब तक पालन कर लेते हैं। जी और वो इसको छोड़ के गृहस्थ आश्रम में जाना चाहता है शादी करना चाहता है जी अपने जीवन बढ़ाना चाहता है परिवार के साथ तो कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है क्योंकि देखिए अगर हम चीवर ग्रहण करते हैं तो यह बहुत ही अच्छी बात है कि हम अपने जीवन में चीवर ग्रहण करते हैं। श्रीलंका है थाईलैंड है बौद्ध देश है वहाँ की तो ऐसी परंपरा है कि जो व्यक्ति जीवन में एक बार हमेशा चीवर लेना चाहिए और जो व्यक्ति जितने अधिक समय तक चीवर लेता है वह वहाँ पर अच्छा माना जाता है। क्या नॉनवेज वाकई में इस धर्म में पूरी तरीके से बैन? देखिए भगवान बुद्ध के समय में और आज के समय में ही भिक्खु लोगों की भंते लोगों की जो खाने की परंपरा है जब हम लोगों को चीवर दिया जाता है तो उसी समय दो बातों का बहुत अच्छे से मनन कराया जाता है कि पहला कि हम कुरूपता में आ पड़े हैं कि हम जब चीवर ग्रहण करते हैं तो अपने शरीर से बहुत ज़्यादा सुंदरता का भाव नहीं पैदा करना है। दूसरा हमारी जीविका दूसरे के ऊपर निर्भर करती है जब हमारी जीविका दूसरे के ऊपर निर्भर करती है तो हमको भोजन में जो खाना मिल जाता है उसी को हम खाते हैं चाहे वह नॉन वेज हो चाहे वेज हो। छोटे भंते जितने भी हैं जो अपने स्कूलों से वापस आते हैं उसके बाद उनको वो खाना दिया जाता है दिन का खाना खाने के बाद वह कुछ देर आराम करके फिर 2 घंटे बाद वो क्लास लेते हैं। ये क्लास डॉक्टर शाक्य जी के द्वारा ली जाती है और इसमें गौतम बुद्ध जी के बारे में और धम्म के बारे में बताया जाता है। कोई धारणा बनाते हो कोई निर्णय बनाते हो तो वो क्या होगा? गलत है। मैं विचार करना इन तीनों काम में हमारा शरीर प्रयोग में आता है। इसर परिसर में बने हुए बगीचों का भी देखभाल ये स्वयं खुद ही बनते के द्वारा होता है और जब शाम के उस समय इनका
खाली वक्त मिलता है तो उसमें ये बाकी पौधों का भी ख्याल रखते हैं। चलिए अब सबसे नमो उदय कर लीजिए। जी नमो उदय। तो आज हम लोग यहाँ बुधवार आए हुए हैं, हैं फाउंडिंग फादर्स में भी हैं और यहाँ सारा देखभाल यही करते हैं, तो इन्हीं से जानते हैं कि यहाँ की क्या बातें हैं। जी नमो उदय। अच्छा लगा आपने पूछा, क्योंकि भगवान बुद्ध के समय से ये परंपरा रही है कि एक भिक्षु निवास होना चाहिए जहाँ पर भिक्षु रहकर पढ़ाई कर सकें और लोगों को बता सकें कि धम्म क्या है। तो हम लोगों ने 2003 में संस्था बनाई और संस्था के बहुत पहले से काम करते रहे, लेकिन ये था कि संस्था बनाने के बाद विधिवत काम करने का तैयारी किया। फिर 2006 में ये ज़मीन मिली, ये हम लोगों को इलाहाबाद विकास प्राधिकरण की तरफ से मिली, फिर उस पर हम लोगों ने बुधविहार बनाया। हम लोगों ने बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा जो भी है यूपी बोर्ड की प्रॉपर वही शिक्षा दिलाई और आज हमारे यहाँ के बच्चे एमए तक पहुँच गए हैं। 3 बच्चे एमए पहुँच गए, 1 बच्चे ने जेआरएफ क्लियर किया। पाली भगवान बुद्ध के समय जो भाषा चलन में थी, आम बोलचाल की भाषा थी, वो पाली थी। बुद्ध वचन जितना भी संग्रह किया गया वो सारा का सारा पाली में है। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि ये जो जैसा आपने पाली का पूछा, तो सम्राट अशोक के जो शिलालेख हैं उस शिलालेख की जो लिपि है उसको सम्राट अशोक ने स्वयं उस पर दर्ज कराया, इयन धम्मंग लिपि, ये धम्म लिपि है। बाद में उसका नामकरण बदल कर उसको ब्राह्मी लिपि कहा गया। उस लिपि को हम लोग यहाँ पर पढ़ाते, मैं खुद पढ़ाता हूँ, हर महीने एक क्लास लेता हूँ जिसमें इस लिपि को पढ़ाता हूँ। और हम चाहते हैं कि सम्राट अशोक के शिलालेख को लोग पढ़ना सीखे, सीख लेंगे तो उस समझना भी शुरू करेंगे कि सम्राट अशोक ने शिलालेखों में लिखाया क्या है। बहुत सरल, बहुत सरल। ये आप मेरा नेम प्लेट देख रहे हैं, ये भी धम्म लिपि में नीचे लिखा हुआ है। बाबा साहब ने इस बात को अच्छे से समझा, तभी उन्होंने बुद्धा एंड हिज धम्मा लिखा और लोगों को प्रेरित किया कि लोग बुद्ध के धम्म को सीखें। अगर एक श्रामणेर जो अपने लाइफ को बुद्धिज्म के लिए डेडिकेट किया है, अगर वो प्रॉपरली यहाँ से पढ़ाई करके निकलता है, पाली से प्रोफेसर बन के वो निकलता है, तो वो खुद का भी जीवन ठीक कर लेगा और दूसरों को भी सही चीज़ें बता सकेगा। बंदे जो होते हैं वो यहाँ पुरुष भी रहते हैं कि महिलाओं का भी कोई भविष्य है यहाँ पर या कुछ ऐसा है और भी जगह? देखिए अभी हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, नागपुर में है, अरुणाचल प्रदेश में है और बाकी तमाम जगह पर है, लेकिन अभी फिलहाल तो यहाँ पर नहीं है। कि बाहर के लोग आ सकते हैं, कुछ कार्यक्रम हो सकता है, उस पर भी आपके बारे में बताना चाहेंगे? देखिए किसी भी बुद्ध विहार का जो औचित्य वो पूरे तरह से समाज से जुड़ा हुआ होता है, अलग नहीं होता। समाज में लोगों को अपने बच्चों का केस कप्पन कराना होता है, बुद्ध विहार आ सकते हैं। लोगों को बच्चे का नामकरण कराना है, बुद्ध विहार आ सकते हैं। लोगों को अपना मैरिज करना है, विवाह करना है, उसके लिए बुद्ध विहार आ सकते हैं। भगवान बुद्ध का धम्म सार्वजनीन है, सार्वकालिक है और सार्वदैशिक है। सब कालखंड में ये पूरी तरह से उपयोगी है, सभी लोगों के लिए है, ये किसी के लिए अहितकारी नहीं है। सही है, तो कम से कम एक बार इस जगह भी जरूर आना चाहिए। साधु साधु साधु। बारिश आई छम छम छाता लगे निकला, हम पैर चल गया, गिर गया हम ऊपर छाता नीचे।